नमस्कार दोस्तों, करियर क्रिप चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आईबीपी रिक्वायरमेंट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से कुछ जॉब वैकेंसी निकल कर आई है, तो उसके बारे में फुल डिटेल में जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एग्जीक्यूटिव पोस्ट की जॉब वैकेंसी निकल कर आई है, तो इसका यहाँ पर फुल डिटेल में नोटिफिकेशन दिया है। तो देखिए, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की है, तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो देखिए, टोटल 132 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकल कर आई है। यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो देखिए, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपको यहाँ पर दिया है। तो देखिए, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, तो ये इसका देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल दिया है, तो इसका देखिए ये जो डेट दिया है यहाँ पर देखिए 26/7 to 16 अगस्त, 26 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 26 जुलाई 2023 को इसका फॉर्म चालू होने वाला है, हो गया है, और इसका जो लास्ट डेट है इसका 16 अगस्त तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ डिटेल दिया है, नोट दिया है, तो आप ये नोट को देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो पोस्ट है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। जो पोस्ट नेम, जो आपकी पोस्ट रहेगी, डेसिग्नेशन रहेगा, वो आपका एग्जीक्यूटिव का रहेगा। तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर दी है 132 पोस्ट यहाँ पर दी है। जो आपका एज लिमिट रहने वाला है, आपका 21 साल से 35 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए पोस्ट दिया है, यूआर के लिए 56 पोस्ट है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 13 पोस्ट है, ओबीसी की यहाँ पर, तो देखिए जो ओबीसी है, ओबीसी की यहाँ पर 35 पोस्ट है, और एससी की यहाँ पर 19 पोस्ट है, और एसटी की यहाँ पर 9 पोस्ट है। तो आप इसको देख सकते हैं। और जो डिसेबल पर्सन रहेगा, उसको मिनिमम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी इसको उसमें रिजर्वेशन मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर आपका स्टेट वाइज आपका यहाँ पर कुछ वैकेंसी दी है। तो यहाँ पर देखिए, आसाम में 26 है, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर 27 है, हिमाचल प्रदेश में 12 है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में 7 है। तो यहाँ पर स्टेट वाइज दिया है आपका सर्कल, आपका नॉर्थ ईस्ट में देखिए, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में आपके कौन कौन से आ रहे हैं। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, त्रिपुरा, यहाँ पर ये आ रहे नॉर्थ ईस्ट में। और उत्तराखंड में 12 वैकेंसी से, टोटल 132 वैकेंसी से। आप देख सकते हैं आपको कौन से स्टेट में अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए, जो आपका जॉब, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगा, यहाँ पर जो आपको क्वालिफिकेशन रहेगा, आपको मिनिमम आपका एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, आपका ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन से आपका ग्रेजुएशन आपको यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसका देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, आपका आपका ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो देखिए, आपका जो पेमेंट, जो सैलरी रहने वाली हो आपकी, देखिए यहाँ पर 30,000 आपकी सैलरी रहने वाली है पर मंथ, आपकी 30,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। और जो आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है, वो आपका ऑल इंडिया में आपका जॉब लोकेशन आपका रहने वाला है, जहाँ पर आप अप्लाई करोगे वो आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। और देखिए, यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है, वो एससी एसटी के लिए, देखिए यहाँ पर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो फ़ीस रहने वाला है, वो आपका 100 रुपये फ़ीस यहाँ पर रहने वाला है। और जो फॉर अदर कास्ट के जो स्टूडेंट है, उनके लिए यहाँ पर आपको 300 रुपये फ़ीस आपको यहाँ पर लगने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर आप इसको नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ दिया है जनरल इन्फॉर्मेशन, आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसका फॉर्म जल्द से जल्द भर दीजिए, 16 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, तो आप इसका देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसका फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है, इस पर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए। धन्यवाद।